रेम्बो की जो है ना तबीयत जो है ना मतलब पता नहीं क्या हो गया, अचानक से जो है ना खराब हो गई है। दवाई वगैरह अभी इसको दे रहे हैं मेडिसिन, लेकिन बिल्कुल ही एकदम वीक हो गया है। लेकिन तो मैंने बोला भाई अभी रात हो रही है, मैं कल तक का वेट नहीं कर सकता ब्लॉग के लिए, फिर मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। जान तो मार रहा है बेचारा। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो अभी दवाई वगैरह पिला रहे हैं भाई, कि सुबह भी पिलाई थी और अभी मतलब दोपहर में भी पिलाई थी और अभी फिर जो है रात में भी पिला रहे हैं। मैं सोच रहा था सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट करता, लेकिन ये सुबह तक जो है मुझे बनाना, फिर अभी स्टार्ट कर देता है ब्लॉग। सारी निकाल रहा है, रुक नहीं रही है, पता नहीं उसको क्या हुआ है, मोशन हुए हैं क्या हुआ है, क्योंकि एकदम वीक हो गया है ये। हाँ सारी वापस आ रही है। तो इसको मैं दवाई वगैरह तो चला दी है, मगर अब ये है कि बस अल्लाह करे बस ये बच जाए, बस इसको रख देते हैं वापस घर में, सुबह ही देखेंगे अब इसको। हालत बिल्कुल सेट नहीं बेचारी की। अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे मिनी रूम में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। भाई कल आपने देखा कि रात में ही मतलब हमारे जो है ना रेम्बो की जो है ना हालत सही नहीं थी, और उसको जो है ना अचानक समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मतलब बिल्कुल सेट था दो दिन पहले तक, मतलब परसों शाम तक भी सेट था, कल जो है ना एकदम से सुबह जो है जब मैं सेटअप से अपने ब्लॉग वगैरह कंप्लीट करके नीचे गया हूँ, घर पे गया हूँ, तो वो घर में ही था, मैं सुपर लाया नहीं था, मैंने थोड़ा सा इसको नज़ला हो रहा था, मैंने कहा चलो खैर घर में ही रहने दो। तो लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ उसको अचानक से जो है ना मम्मा, हमारे घर में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली मतलब वो था मम्मा से हमारी जो है ना अम्मी से, तो उन्होंने बोला भाई इसकी तबीयत सेट नहीं है इसको देखो। तो खैर हमने उसको देखा, दवाई वही पिलाई हमने, लेकिन फिर जो है वो जो है शाम तक जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी जब हालत वीकनेस बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ अचानक उसको बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो गया था। खैर फिर उसके बाद जो है रात में जो है मुझे लग नहीं रही थी उसकी हालत ऐसी, तो फिर मैंने रात में ही ब्लॉग कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो खैर आप लोगों ने देखा होगा अभी, तो अभी जो है ना वो बेचारा हमारा मतलब डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गया है। ऐसी टाइप से हमने रात में बिल्कुल ऐसे ही रखा था और बेचारा ऐसे ही जो है ना एक्सपायर हो गया हमारा रेम्बो। पता नहीं क्या हुआ बेचारे को, मतलब दो दिन के अंदर अंदर जो है ना ये मतलब एक दिन में, दो दिन भी नहीं, एक दिन के अंदर अंदर जो है बिल्कुल सूख के काकड़ी हो गया ये, और बस पता नहीं कौन सी इसको ऐसी बीमारी लगी क्या था। हाँ बहुत अचानक से जुकाम हुआ बेचारे को। हाँ ना कल ही कल में जो है ना बेचारे हमने, मगर ये रहा नहीं, इम्तियाज़ अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि अभी 7 महीने रहा है हमारे साथ, छोटा सा लेकर आए थे, देखें कितना सा था ये इतना सा छोटा सा था। जब से इसको सीरिलेक वगैरह खिला रहे थे अब ये तो घर में वैसा था कि सब इससे बहुत प्यार करते थे, और ख़ास तौर पे हमजा की जो मम्मा है ना उनके पास ही ये रहता था घर में, वो ऊपर भी नहीं लाने देती थी हमें, सिर्फ हम ऊपर जब दाना पानी करने आते थे जब ये आता था हमारे साथ, वरना वो घर में ही रखती थी अपने पास। अब नहीं रहा, बहुत दवाई वगैरह दी, बच्चे भी रो रहे हैं सब परेशान, तो बाहर हो रही थी भाई, अब क्या कर सकते हैं, यही दोस्तों ज़िंदगी है, कोई रहता है कोई चला जाता है, मगर ये है कि आगे तो बढ़ते रहना है ना, बाकियों को भी तो देखना है। चलो हमजा बाकियों को देखे भाई। हाँ यही है भाई, इसके साथ का जो हमारा 7 महीने का साथ था ना इसकी, बस तुमने यादें रह गई हैं। अब जो है बस छोटे मोटे मैं बाकी क्लिप्स होंगे इसकी, मस्तियाँ जो करता था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप लोग देखें। बाकी बस समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है बेचारे के साथ, ये जो है इसको बीमारी हुई हुई थी कि ये जो है ना अपने मुँह खोल रहा था, क्या था या तो सांस की इसको बीमारी थी क्या था, सांस नहीं आ रही थी, मतलब फेफड़े जो है वो काम नहीं कर रहे थे, ये क्या वजह थी कुछ समझ नहीं आई इसको, क्या वजह हुई ये, किस तरह से जो है ना बेचारा एक दिन के अंदर अंदर, कल तक सही था बिल्कुल, मगर बस क्या बोलते सारा एकदम चले गया।
खैर एक तो ये हमारे जो तरकी बट के बच्चे हैं ना दोस्तों, इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। कल भी इन्होंने बहुत तंग किया है, कल जो है इसने पेट में वो फंसा ली थी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है कि शाम में भी एक ने फंसाई है। पापा ने बताया मुझे कि शाम में जब वो दाना पानी डालने आए तो शाम में भी एक के पेट में ये वाला फंसा हुआ था। भाई शाम में जो है ना एक के पेट में ये वाला फंसा हुआ था। ये बड़े इतनी मुश्किल से निकाला ना इतना बड़ा। अभी सेट है, अभी अभी दो का पेट बहुत सख्त हो रहे हैं। तो भाई अभी जो है ना आप बोल रहे हैं कि फिर जो है ना दो का पेट बहुत ज्यादा सख्त हो रहा है। और वो तो छोड़े हैं, वो तो बाकी इसको देखें, इसके काम देखें, ये पैर देखें कहाँ तक ले आया। मैं पापा को बोल रहा हूँ, रोज बोलता हूँ कि ये जो है ना एक दिन मेरे को लग रहा है कि ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब देखें यहाँ तक तो ये पहुँच गया इसके पैर। बाकी इसने अपने पिछले वाले पैर रखना है यहाँ पर और ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो मुझे इस चीज़ का डर लगा था। ये देखें काम देखें। आओ बादशाह आओ, बाहर आओ, आओ 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 बाहर आओ। ये भाई मुझे इसका डर ही लगा रहता है कि ये जो है ना बाहर आ गया ना, बाहर आके इसने क्या करना है। पहले तो हमारे सारे पौधे खाएगा ये, उसके बाद अल्लाह ना करे दीवारें छोटी हैं तो ये छलांग भी मार सकता है। भाई तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। पापा को मैंने बोला यहाँ पे एक लकड़ी लगा दें ताकि बुरी हुई खबर से हम लोग बच जाए। किसके पेट कड़क हो रहे हैं भाई, किसके पेट मोटे हो रहे हैं, ठीक है खड़े हुए लग रहे हैं। पापा शायद जिन्हें की बात कर रहे हैं। और एक ये वाला है, इसका भी थोड़ी ऐसी हालत है, गर्दन वगैरह खींच हुई है। चलो खैर इनको देखते हैं, करते हैं इनका भी कुछ। बाकी इसमें तो वो ब्लैक वाली है, मैं समझा वो कहाँ है, चूजे वाली मुर्गी कहाँ है, चूजा अलग कर दिया। भाई ये दाना वाना पानी सब फेंक देती है यार, वो मर जाता है उधर, सही है उसको खाना भी मिल रहा है। ये डर तो नहीं रहा। चलो भाई पापा ने जो है तीनों मोर एक साथ छोड़ दिए, हमारे तीन मोर इधर आ गए हैं और दो इधर माशाल्लाह से हमारे ये बड़े वाले, ये तो बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी तेजी से कलर आ रहा है और धूप आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज वाली तपिश है, पसीने जो है ऐसे बह रहे हैं, पानी ले रहा है। और इधर इस साइड पे तो भाई थोड़ी सी घटा सी आ रही है, काले काले बादल से हो रहे, मगर जो है धूप भी निकली हुई है। देखते हैं क्या होता है, खैर अल्लाह करे बारिश हो जाए भाई, तो गर्मी का दौर टूट जाएगा। बाकी इसने अंडा दिया है क्या है, ये टूटा पड़ा है अंडा उधर। हाँ मेरे ख्याल में देते ही खा गई है, क्या किया है इसने, ये टूटा हुआ बिल्कुल आगे कोने में पड़ा हुआ। हाँ टूटा पड़ा है तो नहीं डालना था ना, अब इसको आदत लग जाएगी। बाकी तरकी बट ने अंडा दिया नहीं दिया, तरकी बट का अंडा फिर रखना भाई आज। अटो 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 अटो, अरे दिया हुआ है माशाल्लाह, रोज एक अंडा आ रहा है। हाँ अंडा ले जा रहा हूँ तुम्हारा मैं, सही है तरकी बट। चलो हमने लैला मजनू का हमने अंडा निकाल लिया है। चलो अभी क्या करना है इसका, फिर रख दूं ये अंडा? हाँ ये रख दो, कितने हो जाएंगे उसके नीचे? मेरे ख्याल में 6 हो गए बस, ये काफी है, बाकी फ्रिज में रखना, कोई और कुड़क होगी उसके नीचे रखे। चलो तो भाई ये एक और अंडा रख देते, अब बोल रहे ये एक और अंडा रख दो आखिरी, मगर इसके बाद नहीं रखें क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। अब मुर्गी भी उठी हुई है, अभी देखते हैं इसको कुर्सी लगाते हैं यहाँ पे। चलो तो 4 मुर्गी का उठा लिया इसके नीचे से, मुर्गी का अंडा इसी के नीचे रखा हुआ। हाँ तो फिर अभी जो है 5 अंडे हैं टोटल, और एक बटेर का है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बटेर का, मेरे ख्याल में फिर बहुत है, 6 अंडे हो गए इसके नीचे है, काफ़ी है ना। तो भाई 6 अंडे बाबा बोल रहे हैं इसके नीचे रखते हैं, बाकी अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर से बैठा नहीं जाएगा अंडे पर। खैर अभी खाना वाना खाने के लिए उठी भी है, और इधर हमारी जैक फैमिली ने अंडा दिया हुआ है, एक फैमिली का अंडा निकाल लेते हैं। आजकल एक ही अंडा आ रहा है भाई, 2 क्यों नहीं आ रहा है, इधर दिया हुआ है देखते हैं, नहीं दिया हुआ। चलो अरे ये अंडा तो रखें संभाल के भाई, बाकी ये फाउंटेन का काम कब स्टार्ट होगा भाई? अभी करते हैं ना, आज सामान लाए ना। हाँ वो डब्बा लेकर आओ। तो भाई फाउंटेन का काम जो है ना आज से स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि इसमें प्लास्टर वगैरह करना है। फिर संडे भी निकल गया, हमें जाना था मछलियाँ लानी थी। हाँ यार पहले फाउंटेन ओके करें हैं, ये लो आनी बनी सनी। चलो इनको डालते हैं, चलो खैर भाई इनको खाना वाना डालते हैं, फिर जो है ना आपसे मिलते हैं, फाउंटेन में काम वगैरह करना है थोड़ी देर बाद। तो भाई जो काम वगैरह थे वो हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी है कि इसका जो है तबीयत सेट नहीं है, तो इसको आज जो है फिर इसको उल्टी वगैरह, तो कहाँ जा रहा है
उल्टी वगैरह करानी पड़ेगी क्योंकि इसका जो पेट है ना भाई वो बहुत ज्यादा कड़क हो रहा है पत्थर की तरह। हाँ पेट में पता नहीं क्या जाम हो गया, जाम हो गया पेट का। खैर इसको करते हैं कुछ ना, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो पैर पकड़ो, पानी वगैरह इसको पिलाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई माशाल्लाह से ये जो है अभी बेहतर हो गया, इनका हमने जो पेट में था जो भी था खैर वो निकाल दिया पापा ने, पेट जो है बहुत ज़्यादा कड़क हुआ था। खैर अब फाउंटेन में काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीढ़ी हटानी पड़ेगी और पानी खुश करना पड़ेगा ये। तो फटाफट से ही जो है ना सारे काम मैं करता हूँ, फिर जो है ना इसके बाद प्लास्टर जब करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो भाई अभी जो है हमने अपने फाउंटेन की सफाई भी कर दी है और सामान जो था वो भी सब हटा दिया, तो अब जो है ना प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर के लिए पापा ने जो है सीमेंट बना लिया है, जैसे थोड़ा सा ब्लू कलर भी डाला ताकि जो है ब्लू शेड आए। तो ये भी करते हैं अंदर। क्या है, क्या हो गया? अरे एक साथ शोर मचाना शुरू हो जाती है। तो ये प्लास्टर करते हैं, पहले जो है ऊपर वाले में करते हैं, इस वाले की बारी है पहले, फिर नीचे वाले में करेंगे। एक तरह से ये प्लास्टर इसको बोलेंगे और कलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें इसमें जो है अंदर वो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ना, एक अलग आ गई थी, तो इसलिए एक तरह से इसको हमने थोड़ा सा पतला ही रखा है ताकि बस अच्छा लगे पानी जब इसमें आए ना। वाह भाई वाह, जबरदस्त, सही लग रहा है। सारा करते हैं इसको फटाफट। अब इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट, फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई ऊपर वाली साइड पे जो है ना सारा हो गया है, बाकी अभी पहले नीचे वाली में कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे पास सीमेंट बचेगा तो ऊपर भी कोई ना कोई हम फनकारी टाइप कोई ना इसमें चीज़ ऐसी करेंगे। खैर पहले जो है ना ये वाली साइड करते हैं, फिर ये वाली करेंगे, फिर ये वाली करते हैं। तो अभी ये फटाफट ये वाले भी कम्प्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी जो है ना एक कोट हमने इसका कर दिया है पूरा, थोड़ा सा वहाँ पे भी किया है तो वो अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा कि दीवार पे भी जो है ना हम लोग पेंट करें। तो मैंने पापा को बोला कि भाई दीवार पे पेंट करते हैं, कुछ सोचे हैं इस बारे में, तो कह रहे हैं मैम करते हैं भाई इसको भी। ये पहले हमारा काम था शेड का, अब हो गया फाउंटेन। फाउंटेन में हमने देखा पूरा प्लस्तर हो गया है, बस अब ये है कि शाम में मैं एक और कोट इसमें लगा दूंगा तो ये जो है ना मतलब बिल्कुल, एक तो पहले सूखेगा वाइट होगा सही, उसके बाद जो है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। खैर अभी करना ये है हमें कि मतलब ये जब हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे दीवार पे कलर। खैर भाई हमारा जो रेनबो था उसको हमने 7 महीने पाला है, मैं उसको जो फरवरी में लेके आया था छोटा सा, देखा होगा आपने। तो उसके बाद भाई हमने उसको पूरी ट्रेनिंग दी है, मैंने उसको कितनी मेहनत थी मेरी, उसको पूरा हैंड टेन किया भाई, फ्लाई टेन किया उस पर, मतलब काफ़ी 7 महीने की मेहनत थी मेरी उस पर। और उसकी उम्र तकरीबन थी 8-8.5 महीने, क्योंकि वो जब हम लेके आए थे तो 28 दिन का था। तो जो हमारी 7-8 महीने की महीनी मेहनत थी ना वो ज़ाया हो गई है, लेकिन चलो खैर पर दुख तो बहुत है कि एक तो मेहनत ज़ाया हो गई, उसके बाद चीज़ जो होती है इससे एक दिल, जिस चीज़ से दिल लग जाता है वो मतलब एक जब छोड़ के चले जाए ना जब एकदम, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। खैर भाई जो होना था वो तो ज़ाहिर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। खैर फिर इस ब्लॉग को मैं करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में रखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे भाई। अल्लाह हाफ़िज़।